हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। यहाँ मैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आए। कोविड-19 का टाइम चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग से मीन्स ये है कि हम किसी भी फ्यूचर गोल्स या टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी पहले से हम प्लानिंग करते हैं उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे मान लीजिए 12th क्लास के स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम फरवरी में होते हैं, तो उस बोर्ड एग्जाम को मीन्स कि हमें 90 above number लेके आने, 95 over number लेके आने हैं, उस हमारा एक टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हम पहले से प्लानिंग करते चलते हैं कि हमें दिन में एक इस सब्जेक्ट को इतने टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतने टाइम देना है, इसे कहते हैं प्लानिंग। और इसी चीज को मैं अगर मैं कन्वर्ट करूँ स्पोर्ट्स के अंदर, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर, तो जैसे कोई स्कूल है और वो CBSE क्लस्टर ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो क्या होगा, वो पहले से प्लानिंग करता हुआ चलेगा कि हमें इस जगह वर्क करना है, इस जगह वर्क करना है, ये कमियां दूर करनी है, और तब जाके हमारा ये सक्सेसफुल क्लस्टर सक्सेसफुल होगा। इसी को बोलते हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, कुछ जैसे कि एक एग्जाम्पल होते थे तो मैं ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव हैं और समझाने के लिए कि जैसे किसी के घर में अगर शादी है तो क्या होगा, किसी के घर में अगर शादी है तो अगर मैं एक बंदे को ही सारा काम दूं, अगर मैं एक बंदे को ही सारा काम दूं कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे हलवाई भी देखने हैं, तुझे सब्जियां वगैरह भी लाने हैं, कैटरिंग का सामान भी तुझे देखना है, तो उससे क्या होगा, एक तो काम टाइम पर नहीं होगा, दूसरा होगा जो टाइम पर होगा वो भी ठीक से नहीं होगा, अगर होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये होता है इसमें। और अगर मैं यही काम अगर चार बंदों को दूं कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तो क्या होगा, काम टाइम से होगा, फेलियर के रिड्यूसिंग जो होंगे, जो फेलियर के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। ये प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, टाइमली अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट। अगर हम किसी चीज को प्लानिंग के साथ करते हैं तो क्या होगा, हम उस अचीवमेंट को, उस टारगेट को इजीली और टाइम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कहीं जाना है और मैं अगर घर से देर से निकलूं तो क्या मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा? अगर मुझे कहीं जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो मुझे टाइम से निकलना पड़ेगा अपने घर से, तभी मैं टाइम से वहां पहुंच पाऊंगा। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, मैक्सिमम चांस हो जाएंगे उस वर्क के सक्सेसफुल होने के, मींस के बहुत मिनिमम चांस होंगे कि वो वर्क हमारा अनसक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, थर्ड है फाइंडिंग आउट द कॉजेस ऑफ फेलियर, उस कारण, उस कॉज का पता लग जाएगा कि किस की वजह से हमारा काम में, हमारे काम में दिक्कत आ रही है, वो काम बार बार फेल हुआ है, ये चीज हमें पता लग जाती है प्लानिंग से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा प्लानिंग क्या होता है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कमेटी। वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो जो तो वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, अगर हम जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है वो क्या कर रहा है,
क्लस्टर ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उसे सक्सेसफुली क्लस्टर को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनानी पड़ेगी और उन कमेटीज का वर्क क्या होगा, ये इसमें दिख जाता है। तो पहली होगी हमारी, जो हमारी कमेटी बनती है वो होती है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी, इस कमेटी का काम क्या होता है कि ये पब्लिसिटी करेगी उस इवेंट की, ऑनलाइन करे, सोशल मीडिया के थ्रू करे, ऑफलाइन करे, बैनर लगाए, इसी का काम होता है कि ये हमारे उस इवेंट की पब्लिसिटी करेंगे। ठीक है, दूसरी कमेटी पे आ जाते हैं अगर हम, तो एक हमारी होती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है, इसका काम क्या होता है कि प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। ठीक है, जैसे आईपीएल हो गया, आईपीएल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी काम क्या होता है कि वो होटल से प्लेयर्स को स्टेडियम तक लेके आएगी और वापस मैच खत्म होने के बाद या प्रैक्टिस खत्म होने के बाद फिर से वापस उन्हें होटल छोड़ के आएगी, ये होती है एक ट्रांसपोर्ट कमेटी। तीसरा आ जाते हैं फूड कमेटी। फूड कमेटी का काम क्या होता है, फूड कमेटी का काम ये होता है कि इसे टाइम से प्लेयर्स को मील प्रोवाइड कराना होता है, ये टाइम टू टाइम उन्हें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब चीज प्रोवाइड कराती है, इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड कमेटी की। ठीक है, चौथा अगर मान ले फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी खेल में चोट लगना तो आम बात है, तो चोट लगती है तो वो इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप वहां मौजूद रहें गेम ग्राउंड के अंदर, और अगर किसी प्लेयर को किसी भी तरह की चोट लगती है तो एट ए टाइम उसे फर्स्ट एड दिया जाता है। ठीक है, ये उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम अगली कमेटी की बात करें तो रिजल्ट अनाउंस कमेटी होती है। रिजल्ट अनाउंस कमेटी, इस कमेटी का काम क्या होता है, ये रिजल्ट ऑर्गेनाइज कराती है, जो भी इवेंट हुए हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी टीम्स आई हैं ये उनको, ये उन्हें अनाउंस करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, कोशिश की है कि नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं और आपको समझ में आ जाए, किसी तरह की आपकी कोई आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, तो नोट्स में। चलिए अगला चीज देख लेते हैं क्या है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि 101% एग्जाम में आता ही आता है, 5 नंबर में, 3 नंबर में आ जाए, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, 1 या 2 नंबर के आते हैं, और 3 या 5 में तो 100% आना ही आना होता है। जो टॉपिक है हमारा वो है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है, एक कंपटीशन होता है बहुत सारी टीमों के बीच में, जहां बहुत सारी टीमें आपस में खेलती हैं, एक दूसरे से खेलती हैं और एक ट्रॉफी को जीतने के लिए खेलती हैं, लास्ट में जाकर एक विनर होता है, उसे टूर्नामेंट कहते हैं। और टूर्नामेंट 4 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट या नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट, इसे ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं इसे। दूसरा है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तीसरा है
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, तीसरा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये तीन टूर्नामेंट है, ये चौथा हमने पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, तो आंसर हमारा देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, चार टूर्नामेंट देंगे हम। ठीक है, ये हमारे टूर्नामेंट हो गया, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको टूर्नामेंट पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा जो मैंने पढ़ाया है। थैंक यू।